हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो का बनाने का एक ही पर्पस है, जो अभी न्यू वायरस फैला है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोरोना बहुत ही फेमस हो चुका है और काफ़ी वायरल भी हो रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जो एक्वेरियम रखते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि भाई, एक्वेरियम रखने से ये क्या एक्वेरियम में भी फैलता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ज़्यादातौर पर नहीं, क्योंकि जो कोरोना वायरस होता है, जो फैलते हैं, वो किसी के कांटेक्ट पे आने पे फैलते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उनका कोई भी, मतलब जो मुंह से बात करते समय या थूक या छींक निकल जाता है या जब कासते हैं, तो अगर वो उनका जो जो सलाइवा या जो भी हो, जो अगर किसी के व्यक्ति के हाथ में या किसी के बॉडी में जगह पड़ जाते हैं, और उसके बाद जो अगर वो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तभी ये कोरोना वायरस उनको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो एक्वेरियम टैंक होते हैं, वो ज़्यादातौर पर घर के अंदर ही रहते हैं। तो इसका चांसेस होता है कि बहुत, मतलब 0. नहीं, मतलब 1-2% हो सकता है अगर किसी को घर के अंदर है और ये, मतलब एक्वेरियम टैंक का कांटेक्ट में आया, तो फैल सकता है। तो इसके रिगार्डिंग में एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर घर में, उम्मीद करता हूँ, मतलब मैं तो नहीं चाहता कि अगर किसी में हो, अगर गलती से भी किसी को ये है वायरस, तो उनको तो अभी ट्रीटमेंट चल ही रहे होंगे। अगर वो को अभी एक्वेरियम टैंक के कांटेक्ट में आया, तो दोस्तों पानी पूरा चेंज कर दीजिएगा अच्छा से, और मछलियों को एकदम, मतलब एंटी क्लोरीन, ये जितना भी दवाई इससे ट्रीट कीजिएगा, एक्वेरियम सॉल्ट से पूरा मछली को बात दीजिए एक बार, और जो ग्रेवल है या जो भी है, उन सबको एक बार धो के अच्छा से गर्म पानी में, ग्रेवल सब धो के एक बार सुखा के फिर यूज़ कीजिएगा, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि कोई फिश बीमारी है, तो उनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दीजिएगा। ये भी एक अच्छा होता है कि अगर आपका फिशेज में अगर लगता है कि कोई फिश को ऐसा बीमारी है, तो उनको सेपरेट कर दीजिएगा, सबसे बेटर होता है, क्योंकि सेपरेट करने पे दूसरे फिशेज को ये बीमारी नहीं हो पाएगा। और आपका जो डेली रेगुलर, मतलब हर हफ्ते जो काम होता है एक्वेरियम का, वो क्या करना है कि जो पानी चेंज करना है या मेडिसिन ऐड करना है, एक्वेरियम सॉल्ट ऐड करना है, वो करते रह जाइए। और जो ट्रीटमेंट, अगर कोई, अगर किसी टैंक में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो चलाते रहिए उसको, स्टॉप मत कीजिएगा। और दोस्तों, सबसे, मतलब ज़्यादा यहाँ पे एक चीज़ है कि आप कोई भी फिशेज को खरीद के मत लाइए, कम से कम 1-2 महीने स्टॉप हो जाइए। कोई अगर फिश परचेस करना चाहते हैं, तो मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक्वेरियम शॉप में बहुत लोग विजिट करते हैं, और वहाँ पे जो, मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये जो कैप है ऊपर, तो एक्वेरियम शॉप में ये सब ढक्कन नहीं रखते हैं, तो खुला रहते हैं, तो चांसेस बढ़ जाता है कि यहाँ पे अगर कोई फिशेस परचेस करके लेकर आ जाते हैं, तो अगर कोई, मतलब अफेक्टेड पर्सन अगर विजिट किया है वो एक्वेरियम शॉप को, तो यहाँ पे बढ़ जाता है यार चांसेस। और मतलब ये पानी से बच्चों को दूर रखिए, जो पर्सन को इसके ऊपर वेल नॉलेज है, वही जाके विजिट कीजिए एक्वेरियम। मतलब आपका जो एक्वेरियम घर पे रखा हुआ है, तो उसको क्लीन कीजिए, जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब पसंद आया है। और जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरोना वायरस क्या एक्वेरियम टैंक में इफेक्ट होता है, अगर आपके घर के अंदर है, तो भाई बहुत ही कम परसेंट होता है, 1 या 2% चांसेस हो जाता है कि फैलने का। तो ठीक है, आप लोग मतलब सेफ रहिए, जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको फॉलो करते रहिए, और भाई मतलब गर्म पानी पीना, गुनगुना सा एकदम गर्म मत पानी पी जाइएगा, जीभ जल जाएगा। यहाँ पे गुनगुना पानी, कपड़े वपड़े धोना, बिस्तर का चादर यहाँ पे धो के सुखा अच्छे से, मतलब यूज़ करना, हाइजीनिक मतलब रहना, और बाहर निकलने से ही मास्क, अच्छा सा मास्क पहन लीजिएगा। तो जैसे कि कल, आज तो सैटरडे है और कल संडे है, तो दोस्तों कल घर से कम निकलिएगा, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम हो गया बहुत अर्जेंट, तो तभी निकलिएगा, वरना घर के अंदर ही रहिए, सेफ रहिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, और सब एकदम सेफ रहिए। और दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी नॉलेज हो कि इसका, मतलब बहुत लोग डर रहे हैं कि ये इससे ये होगा। पहले बात तो भाई डर छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई जिसको अगर इफेक्ट होना है, तो उसको ट्रीटमेंट दीजिए, डर ना छोड़िए, क्योंकि डर की वजह से भी बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं। भाई डर बहुत एक ऐसा चीज़ है, अगर कोई किसी को बीमारी है भी नहीं, उसको लगेगा भाई मेरे को बीमार हो गया है, बस इधर उधर जाना है। तो भाई दोस्तों, डरिए मत, सेफ रहिए, और ये जो वीडियो है, बहुत दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा,
और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा दोस्तों। अभी माहौल चल रहा है बहुत ही मतलब गंदा सा माहौल चल रहा है पूरा देश में, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त को भी पता चले कि इसके ऊपर एक नॉलेज हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, तो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब, अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं पसंद है तो मत कीजिएगा, ये आपकी मर्जी है, लेकिन करने में मेरा भला होगा, आपका तो भाई 1 सेकंड जाता है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।